बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे गाजर और मटर का सालन। पहले हम मटर का छिलका उतार लेंगे। अब सारे मटरों का छिलका हमने उतार लिया है और अब गाजर का छिलका उतारेंगे। और अब गाजर को छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब हमारे गाजर कट हो चुके हैं और मटरों का छिलका भी उतर चुका है। प्याज, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना लेंगे।
अब हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हमने देगची को चूल्हे पर रख दिया है, इसमें हमने घी भी डाल लिया है। और जो हमने पेस्ट बनाया था वो पेस्ट हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया है ताकि हमारा जो रायता है वो नीचे से जले ना। अब हम इसमें मेथी डालेंगे। अब गाजर और मटर को हम धो लेंगे। अब हम इसमें गाजर और मटर डालेंगे। Thank you.
अब हम इसे थोड़ी देर तक पकाएंगे। अब हम इसमें एक गिलास पानी डालेंगे। और अब हम इसे 20 मिनट तक पकाएंगे। अब गाजर और मटर का सालन तैयार हो चुका है। कैसा लगा भाई? माशाल्लाह बहुत मजे का है।